तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मेरे गेमिंग चैनल फ्री फायर गेम टीम में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप एक प्रो प्लेयर कैसे बन सकते हो, एक लेजेंड कैसे बन सकते हो, आप हेड शॉट कैसे ले सकते हो, मतलब ड्रैग कैसे कर सकते हो, ड्रैग मतलब कैसे, मतलब एकदम ईजी आपको हो जाएगा ड्रैग मारना। मतलब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो न्यू बंदे हैं जो ड्रैग हेड शॉट नहीं मार पाते हैं, जो हेड शॉट नहीं ले पाते हैं, ड्रैग करना नहीं जानते हैं, ड्रैग कैसे किया जाता है वो नहीं जानते हैं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, इतना डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगा ना कि यार मेरे भाई एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और अगर अच्छे से समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और एक कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई मुझे समझ आ गया है, भाई बहुत अच्छा वीडियो था। तो प्लीज़ यार, और चैनल पर कोई भी बंदा नया है, कोई भी बंदा पहली बार आया है, तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। इस चैनल पर आपको टिप्स एंड ट्रिक और इवेंट वगैरह की पूरी डिटेल आप लोगों को मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो सबसे पहले गाइस, यार देखो इसके पीछे का साइंस समझो, थ्योरी समझो, ये काम कैसे करता है, ड्रैग लगता कैसे वो चीज़ समझ लो, उसके बाद आप ड्रैग इजीली मार लोगे। मतलब होता नहीं था जब हम स्कूल वगैरह में थे, तो प्रैक्टिकल समझाने से पहले, हमें प्रैक्टिकल बताने से पहले हमको थ्योरी बताई जाती थी, मतलब कि इस चीज़ को बनाने के लिए ऐसा ऐसा करना है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं बताया जाता था, उसकी थ्योरी पहले बताई जाती थी। सेम फंडा वही है, पहले आप थ्योरी समझ लो कि इसको करते कैसे, उसके बाद आप कर लोगे, ठीक है। मतलब पहले समझ लो होता कैसे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ ड्रैग करने के लिए। यार ड्रैग तो इजी है, आप सभी को पता होगा कि फायर बटन को ऊपर खींचना है, वो तो है, लेकिन बॉस मतलब ऊपर खींचने के बाद भी हेड शॉट नहीं लगता है, वो मेन बात है, वो मेन पॉइंट है कि ड्रैग आप करते हो बट हेड शॉट नहीं लगता है, वो चीज़ है। तो हेड शॉट भी लगेगा, सब कुछ होगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ है, जो पहली नंबर है, तो सबसे पहले अपना गेम का सेंसिटिविटी बढ़ाओ। मतलब समझ लो, सेंसिटिविटी मतलब आप अपने गेम की तो जितनी है उतनी फुल कर दो, उसके अलावा जो फ़ोन से बढ़ाई जाती है सेंसिटिविटी, DPI जिसको बोलते हैं, तो उसको आपको बढ़ाना है। उसको कैसे बढ़ाना है, इस पर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उस वीडियो को देखो, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो गेम की सेंसिटिविटी बढ़ाओ, अपना DPI जो है वो 600-700 कर लो, जिनके अच्छे फ़ोन हैं, मतलब 4-5 GB रैम के फ़ोन हैं वो 600-700 कर लें, और जिनके 3-4 GB के रैम के हैं फ़ोन, तो वो 400-500 ही करें। तो DPI आपको बढ़ा लेनी है सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपने करना क्या है, आपको अपना जो फायर बटन है उसको थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, अपना फायर बटन को छोटा करना है। और उसको करना क्या है, उसको और आपको और नीचे की साइड रखना है, देख सकते हो मेरा जहाँ पे मेरा, आप देख सकते हो कहाँ पे और कितना छोटा है, तो आपको ऐसे ही थोड़ा छोटा कर लेना, जितने पे आपको सेट हो, मतलब इतना भी ज़्यादा छोटा मत कर लेना कि यार आप फायर ही ना कर पाओ। मतलब ज़्यादा छोटा करने के बाद आप कभी कभी जल्दबाजी में आप फायर बटन को दाबोगे लेकिन वो टैब नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा, तो फायर नहीं होगा, गोलियां नहीं चलेंगी, तो इतना भी मत करना। जितने पे आप सेट हो, आपका हाथ सेट हो, उतना थोड़ा छोटा करके प्रैक्टिस कर लेना, और उसको हो सके तो और नीचे करना, ठीक है। तो उसको नीचे की और नीचे रखना और छोटा कर देना, ये दो चीज़ सबसे पहले, तो ये दो चीज़ आपने कर लेनी है। तो इसके बाद आपको करना क्या है भाई, इसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, और आपको यूज़ करना है गेम को खेलते टाइम, आपको यूज़ करना है पाउडर, ठीक है। आपको कोई भी पाउडर 5 रुपये का आप ले लोगे एक डिब्बी ना, तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगी, बहुत सारा होता है 5-10 रुपये का आप एक डिब्बी ले लोगे वो बहुत लंबा चलेगा। तो आपको थोड़ा पाउडर ले लेना है, और जब भी गेम खेलना है तो अपने हाथों में लगा लेना है, उंगलियों में, तो उसके और फायर बटन को छोटा करके नीचे कर लेना। तो इससे होगा क्या, आपकी सेंसिटिविटी तो आप पहले ही बढ़ा लोगे, और उसके बाद जो पाउडर होगा उससे वो काफ़ी मतलब क्या बोले, एकदम चिकना सा हो जाएगा, काफ़ी तेज़ हाथ फिसलेगा, ठीक है। तो इससे आपकी मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपके हेड शॉट भी लगेंगे। और ड्रैग तो आप सभी को पता ही होगा कि फायर बटन को ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है। तो फायर बटन ये आपका जितना नीचे होगा ना उतना ही अच्छा होगा, वो उतनी तेज़ ऊपर की ओर आप उसको खींच सकोगे और ज़्यादा खींच सकोगे, ठीक है। तो आप और सबसे मेन चीज़ यार, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो आपको बता देना है, समझा देना, ठीक है। आप मेरा हेडशॉट देख सकते हो, यहाँ पे देखो कितने मतलब हेडशॉट तो हैं, वन टैप नहीं है लेकिन ड्रैग है,
ड्रैग देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है, और ड्रैग लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप देखो, पूरा वीडियो में यही लगा दिया है मैंने। इसी वजह से मैं ये वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे ड्रैग कितना, मतलब वन टैप नहीं है, वन टैप अलग चीज़ है। उस पर भी मैं एक पूरा डिटेल वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, तो ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को मिल जाए। तो फिर से समझा देता हूँ यार, सबसे पहले आपको करनी है सेंसिटिविटी थोड़ा अपनी बढ़ानी है, क्योंकि अगर गेम की आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है ना, तो आप अपना फायर बटन कितना भी ऊपर खींच लो, नीचे से एकदम ऊपर कर दो, वो हेडशॉट नहीं लगेगा। ठीक है, लगेगा भी तो एक आध दो लग जाएगा इत्तेफाक से। और एक सबसे मेन पॉइंट यार, सबसे मेन पॉइंट, आप प्रैक्टिस करो, लेकिन दो तरह से प्रैक्टिस करो। देखो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता देता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी कोई भी मतलब परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस आपको करनी है दो तरह से करो, एक देखो मिड रेंज पे, क्लोज रेंज तो आप शॉर्ट रेंज यूज़ करोगे, तो मैं ड्रैग बता रहा हूँ, पहले MP40 यूज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शॉटगन यूज़ करते हो तो वन टैप पे मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले देखो यार, मिड रेंज जो होती है मतलब ना दूर पे ना क्लोज पे, जो बीच में फाइट होती है, तो उस वहाँ पे आप मतलब स्कोप का यूज़ मत करो, विदाउट स्कोप आप सिर्फ रेड डॉट पे ड्रैग करो, देखो कितना ओपी लगेगा। लेकिन अगर बंदा लॉन्ग रेंज पे है तब आप स्कोप लगाओ, स्कोप लगा के भी आपको ड्रैग मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, स्कोप लगा के करना थोड़ा टफ है। लेफ़्ट हैंड फायर बटन आप यूज़ करो स्कोप में, और राइट हैंड से आप अपना एम जो है वो ऊपर करो। ठीक है, तो दो तरह से आप ट्रेनिंग मोड खेलो, पहले तो अपनी गेम की सेंसिटिविटी बढ़ा लो, फायर बटन को छोटा कर लो और थोड़ा नीचे कर लो, और पाउडर का यूज़ करो। देखो अगर आप ना आपकी अगर ड्रैग ना हो, हेड शॉट ना लगे, तो भाई इस वीडियो को कमेंट में आके आप मुझे बताना, मैं क्या बोलूँ आपको, जो मर्जी वो बोलना मुझे, 100% ये काम करेगा गाइस। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फायर बटन को छोटा करो, नीचे करो, बस और कुछ नहीं होता है इसमें, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, बस और बाकी जो होना था मैंने बता दिया। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, DPI कैसे बढ़ाते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बस यार यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और एक चीज़ और यार, जाते जाते बस एक छोटी सी बात और है, वो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यार मेरे जैसे ही 100K सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट कर दोगे, मैं पूरे 10,000 डायमंड का गिव अवे करूँगा गाइस। 10,000 डायमंड का गिव अवे, आप लोग बस फटाफट से 100K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करा दो, मैं आप लोगों के लिए 10,000 डायमंड का गिव अवे करूँगा, बहुत सारे बंदों को दूंगा 10,000 डायमंड में। आप लोग सोच सकते हो कितने कितने आलोक गिफ्ट हो जाएंगे गाइस, गेस करो 10,000 में कितने आलोक गिफ्ट हो जाएंगे। 600 डायमंड का एक आलोक है, तो उस हिसाब से फिर भी 10, 15, 16, 17 आलोक गिफ्ट हो जाएंगे गाइस। तो सोचो कितने सारे बंदों को आलोक मिल जाएगा जिनके पास आलोक नहीं है, तो मैं 10,000 डायमंड का गिव अवे करूँगा गाइस। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो यार से, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। जल्दी वीडियो आएगी कि आप वन टैप कैसे मार सकते हो, पूरी चीज़ एकदम डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, कैसे क्या करना है, कब कब करना है, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके साथ ही साथ आप मूवमेंट स्पीड कैसे आप अपनी बढ़ा सकते हो, मूवमेंट स्पीड कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो, वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ ही साथ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी वीडियोस आएंगी इस चैनल पे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आप जिनके गाइस 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप लोग उनको सपोर्ट करते हो, उनकी वीडियोज़ देखते हो, उनको लाइक करते हो यार, हमें भी कर दिया करो, हमारे 50K हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं यार, 200-300 व्यूज़ आते हैं, ऐसा नहीं होता है यार, प्लीज़ हमको भी सपोर्ट करो ना, हम भी बनाएंगे अच्छी अच्छी वीडियो, अगर हमको भी सपोर्ट मिलेगा तो हम भी गिव अवे करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक लाएंगे, इवेंट पे वीडियो लाएंगे, सारी चीज़ें में आएगी वीडियो। लेकिन गाइस बस सपोर्ट करो ना थोड़ा सा यार, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को, मुझे करो और चैनल को सब्सक्राइब करो,
सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले, ठीक है। तो चलता हूँ, बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ये सब इवेंट वगैरह जो आएंगे, न्यू बंडल वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा। तो जल्द जल्द अब रोज़ वीडियो आएगी, रोज़ नहीं आ पाती क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ आएगी, एक दो दिन पे तो आई जाती है, रोज़ आती है। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दो, शेयर कर दो। जाते जाते फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपने DPI बढ़ा लो, सेंसिटिविटी बढ़ा लो, फायर बटन को छोटा करके नीचे कर लो, पाउडर का यूज़ करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, ड्रैग एकदम OP वाले लगेंगे, बिंदास ड्रैग मारोगे एकदम आँखें बंद करके, ठीक है, समझ गए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। तो चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।